कहावत है जिसका काम उसी को साधे, यानी कि अगर पेप्सी आज के टाइम पर चाय बेचने लगे तो जाहिर है कि आप रेड लेबल चाय को तो नहीं छोड़ पाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ ऐसे ही ऊट पटांग प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आगे चलकर फ्लॉप हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। अगर आपको कोई ब्लैक कलर का बर्गर खाने को दे तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? साल 2015 में हेलोविन के मौके पर बर्गर किंग ने ऐसा ही कुछ डरावना सा ब्लैक कलर का हेलोविन वॉफर बर्गर लॉन्च किया, जिसे खाने के बाद लोग जब वॉशरूम गए तो उनका टॉयलेट हरा हो गया था। जाहिर है कि इस बर्गर से बर्गर किंग ने सिर्फ अपना मजाक बनवाया। ये लंबे समय तक ट्विटर पर हैशटैग ग्रीन पू करके भी काफी वायरल हुआ था। दरअसल इस भद्दे से बर्गर को बनाने के लिए डाई का इस्तेमाल किया गया था। कई लोग तो कहते हैं कि भला हो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था, जिसके बाद से इस मनहूस चीज को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया गया। नंबर 4, कोलगेट बनाने वाली कंपनी अगर फूड प्रोडक्ट्स बेचने लगे तो कुछ ऐसा होगा जैसे कैरी मिनाटी यूट्यूबर से टिकटॉकर बन गया हो। साल 1982 में कोलगेट अपना खुद का फ्रोजन फूड मार्केट में लाया, जो कि एक रेडी फूड था, लेकिन लोग कोलगेट टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को खाने के प्रोडक्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और यही कारण था इनका ये प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरह से फेल हुआ, और शायद इसी वजह से कोलगेट ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कान पकड़ ली। नंबर 3, क्या हुआ अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोल्ड ड्रिंक छोड़ ग्रीन टी बेचने लगे? ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे रोनाल्डो ने फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और अरिजीत सिंह ने गाना छोड़ के एक्टिंग शुरू कर दी हो। कोका कोला दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड्स में से एक है, जिसके मार्केट में कई सारे फ्लेवर मौजूद हैं। और साल 2006 में कोका कोला मार्केट में कोका कोला ब्लैक के नाम से कॉफी फ्लेवर लेकर आया था, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और कॉफी दोनों का फ्लेवर मिक्स था। आप ही बताओ, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी का कोई मेल हो सकता है क्या? लोगों को भी ये मेल नहीं पसंद आया और इसके लिए कोका कोला कंपनीज को भर भर के गालियां पड़ी। आखिर इनका प्रोडक्ट बुरी तरह से फेल हो गया। हद तो तब हो गई जब इसके बाद 2009 में ये कंपनी कोका कोला फ्लेवर के साथ ग्रीन टी लेकर आई, और इसके फेल होने की वजह बेकार टेस्ट के साथ साथ इसका डाइट प्रोडक्ट होना भी था। डाइट प्रोडक्ट होने की वजह से इसे खरीदने वाले लोग भी लिमिटेड हो चुके थे, और आखिर में इसका भी हाल कोका कोला ब्लैक की तरह ही हुआ। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि चीटोज बहुत ही लाजवाब और क्रिस्पी स्नैक्स बनाता है, लेकिन इसने अपने फैंस के होश तो तब उड़ा दिए जब 2005 में ये चीटोज फ्लेवर वाला लिप बाम मार्केट में लेकर आया। लोगों के लिए स्नैक्स के ब्रांड को लिप बाम में देख पाना बहुत ज्यादा ही अजीब था। नंबर 1, बचपन में जैसे दो अलग अलग फ्लेवर्स की कैंडी का टेस्ट एक साथ मिला के खाने की कोशिश करते थे बच्चे, ये बात समझ आती है कि वो बेचारे नादान होते हैं, लेकिन ओरियो जैसी बड़ी कंपनीज ऐसा करे ये थोड़ा सा अटपटा है। ओरियो एक बार कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया, एक ऐसा बिस्किट जो फिश फ्लेवर का है, क्रंची बिस्किट्स के बीच में गिलगिला सा फिश फ्लेवर। अपनी इस दो कैंडी को मिलाने वाली नादानी के लिए बेचारे ओरियो ने भारी कीमत चुकाई और इसका फिश फ्लेवर प्रोडक्ट फेल हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद वाटरमेलन फ्लेवर वाला ओरियो भी मार्केट से बुरी तरह से खदेड़ दिया गया। लोगों का कहना था कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया जा रहा है।